नमस्कार, स्वागत है आपका देश विदेश के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आए दिन भारत का हिस्सा कश्मीर को लेकर किसी न किसी प्रकार का बयान जारी करता रहता है। यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां के बड़े आलाकमान भी बयानबाजी में पीछे नहीं रहते। कोई विदेश यात्रा पर जाकर समर्थन हासिल करता है तो कोई मुस्लिम देशों को कश्मीर मुद्दे पर एक करने की बात करता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा निवेश सऊदी अरब की कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान में खलबली देखी जा सकती है। आपको बताते चले कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद में असेंबली को संबोधित किया गया था कि कश्मीर पर दुनिया के 125 अरब मुसलमान एकजुट हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शासक चुप हैं। जानकारी देते चले तो कश्मीर मुद्दे पर इमरान खान मुस्लिम देशों को एक होने की अपील लगातार करते रहते हैं। ऐसे में सऊदी अरब के द्वारा भारत में निवेश किया जाना पाकिस्तान के लिए कश्मीर को लेकर एक झटका लगा है। साथ ही सऊदी अरब के निवेश को लेकर जानकारी दे तो इसी साल में 19 फरवरी को जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहली बार आधिकारिक दौरे पर भारत आए थे, तो प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस सलमान के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। साथ ही प्लेन की सीढ़ी से उतरते ही पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस को गले लगा लिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि क्राउन प्रिंस के इसी 2 दिवसीय दौरे के बीच में मुकेश अंबानी की भी मुलाकात हुई थी और अंबानी की फ्लाइट मुंबई से जब देर हुई तो क्राउन प्रिंस द्वारा उनका इंतजार भी किया गया था। इस मुलाकात में ही सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको और मुकेश अंबानी की कंपनी RIL यानी कि ऑयल टू केमिकल के बीच डील की बुनियाद रखी गई थी। इसकी औपचारिक घोषणा 12 अगस्त को हुई, जब एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने शेयर होल्डर्स के साथ वार्षिक बैठक में घोषणा करते हुए बताया कि सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको RIL ऑयल टू केमिकल का 20% शेयर खरीदेगी। इस निवेश को भारत में इतिहास का सबसे बड़ा निवेश भी बताया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि RIL ऑयल टू केमिकल $75 अरब की कंपनी है और इसका 20% शेयर अरामको खरीदने जा रही है, यानी कि अरामको $15 अरब का निवेश कर रही है। मुकेश अंबानी की रिलायंस और अरामको की डील को दुनिया भर में सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता में एक भारत के बीच काफी अहम माना जा रहा है। अगर बात अपने देश की करें तो भारत में इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक मुस्लिम बहुल देश होते हुए सऊदी अरब की कंपनियां अरामको द्वारा भारत में निवेश करना पाकिस्तान पर कश्मीर मुद्दे के बाद जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने तनाव के बीच एक फैसला लिया है। पाकिस्तान का फैसला अगर आपको बताए तो वर्तमान सेना प्रमुख अब 3 साल और अपना कार्यभार संभालेंगे। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऑफिस से इस बात की घोषणा हुई है। घोषणा में कहा गया है कि जनरल बाजवा और 3 साल के लिए सेना प्रमुख बने रहेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस फैसले पर कहा है कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया और भारत के साथ कश्मीर पर बड़े तनाव को देखते हुए जरूरी फैसला लिया गया है। कुरैशी ने इस फैसले को पाकिस्तान की सुरक्षा से भी जोड़ा है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो अगली खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात की गई है, जिसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी दी गई। ट्रंप द्वारा ट्विटर पर लिखा गया है कि अपने अच्छे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और सबसे महत्वपूर्ण कश्मीर मुद्दे पर जारी तनाव को कम करने को लेकर बात की। यह मुश्किल घड़ी है, लेकिन अच्छी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत पर भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें एक ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से जून आखिर में ओसाका में हुए G20 सम्मेलन पर भी जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के वित्त मंत्री दोनों देशों के लाभ के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और हिंसा मुक्त वातावरण के महत्व पर भी बल दिया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि बिना किसी अपवाद के सीमा पर आतंकवाद से दूर रहना चाहिए।
साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से दोहराया कि वहां गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों से लड़ाई के मार्ग पर हर किसी को सहयोग देने को तैयार है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को आर्थिक मंदी पर सतर्क किया। आपको जानकारी देते चले कि रघुराम राजन का कहना है कि अर्थव्यवस्था में मंदी जारी है, जो कि बहुत चिंताजनक है, और सरकार को ऊर्जा क्षेत्र साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों की समस्याओं को तुरंत हल करने की आवश्यकता है। राजन द्वारा ये भी कहा गया है कि निजी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए नए सुधारों की आवश्यकता करनी होगी। एक मीडिया एजेंसी को अपने दिए गए इंटरव्यू में राजन द्वारा ये भी कहा गया है कि जिस तरह जीडीपी की गणना की गई है उसमें विचार करने की जरूरत है। उन्होंने मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की बात कही थी और अपना अनुमान पेश किया था। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे को ILNFS घपले में ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के जारी किए जाने के खिलाफ में पार्टी ने बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि MNS नेता संदीप देशपांडे ने कहा है कि पूरी तरह मुंबई बंद नहीं बुलाई गई है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक राज ठाकरे के समर्थन में ईडी दफ्तर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि ईडी से जारी नोटिस में राज ठाकरे को आने वाली 22 अगस्त में जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। बताया जा रहा है कि MNS द्वारा मुंबई के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तो गुरुवार को अपने घरों से बाहर ना निकले। तो वहीं संदीप देशपांडे ने यह भी कहा है कि अगर गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ता की भावनाएं भड़कती है तो इसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। आज के इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।